Hello everyone, my name is Praveen Kumar Singh. I am from Siman, Bihar. I have secured All India Rank 22 in NTA BHU 2021 in Forensic Medicine. And this is my first attempt. This success credit goes to my parents. First of all, I would like to thank Delhi Knowledge Track for giving me this platform to share my strategy and interact to all of you. I thank to Delhi Knowledge Track for giving me an opportunity to that I can share my strategy and experience through this channel. BHU 2021 का जो एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें अगर कोई छात्र अगर यूजी के थ्रू अगर बायोलॉजिकल साइंस में अगर कोई कोर्स किया हो और उसके बाद एमबीबीएस बीडीएस या बीडी बी फार्मा किए हो वो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं. इनके लिए साइंस बैकग्राउंड की होना ज़रूरी है. साथ ही साथ अगर वो 10+2 में साइंस के साथ बायो का स्ट्रीम लिए हों तो इनके लिए बहुत सुटेबल होता है. और यूजी में उनको खास करके कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये हमारे एनटीए के द्वारा मांगा जाता है कि अगर जो स्टूडेंट जो एलिजिबल होते हैं कॉम्बिनेशन वाइज वही इसमें अपीयर हो सकते हैं. और एनटीए 2021 में ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जो कि मेरा एक फ़र्स्ट अटैम्प्ट था और उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 22 मिला हुआ है और मुझे बीएचयू का एडमिशन मिला है. साथ ही साथ मैं इसकी एलिजिबिलिटी के साथ इसमें सीट्स की बात करें तो ऑल इंडिया 14 सीट्स है जिसमें कि 15% सीट जो हैं फॉरेनर्स के लिए रिजर्व हैं और उसमें हम लोग को 24 सीट्स ही अलॉटेड होते हैं जिसमें मेरा 22 सीट्स थे. और इसकी अगर हम बात करें क्वेश्चन पैटर्न्स की तो इसमें होते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए में जो होता है इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के साथ जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग वेन डायग्राम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. साथ ही साथ एशर्सन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं. अल्फ़ा न्यूमेरिक क्वेश्चंस जो होते हैं बेस्ट होते हैं. इसमें 5-6 क्वेश्चंस जो होते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक से पूछे जाते हैं. साथ ही साथ इसमें मिरर रिलेटेड क्वेश्चंस एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स जो होते हैं खास करके पूछे जाते हैं. पार्ट बी में अगर हम बात करें तो जो छात्र एमबीबीएस किए हों या बीडीएस किए हों या बी फार्मा या यूजी में बायोलॉजिकल साइंस लिए हों उनके कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 75 क्वेश्चंस होते हैं. ये एनटीए के द्वारा आयोजित होती है जो साल में एक बार होती है और नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होने के कारण ये पूरे इंडिया में लाखों बच्चे बैठते हैं. इसीलिए ये एग्ज़ाम जो होता है थोड़ा टफ एक कम्पिटिटिव हो जाता है. इसीलिए हम लोगों को इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होने के कारण हमें क्वेश्चंस का लेवल के साथ साथ हमें निगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए क्योंकि ये 1/4 क्वेश्चंस जो होते हैं मार्क्स कट जाते हैं. इसका मतलब हुआ 0.25 मार्क्स जो होते हैं एक निगेटिव पे कटते हैं. इसीलिए यह सांप सीढ़ी का खेल की तरह एग्ज़ाम होता है. और बात करें अगर इसके पार्ट ए में तो पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कि बहुत मायने रखता है. इस बार के क्वेश्चंस पैटर्न में ये खास करके बहुत ज़्यादा दो क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे. इसमें एक और होता है पजल टेस्ट. पजल टेस्ट में जो क्वेश्चन होते हैं अल्फा न्यूमेरिक पजल टेस्ट कम्बिनेशन में होता है जो कि 4-5 क्वेश्चंस होते हैं. इसके साथ डायरेक्शन टेस्ट एंड ब्लड रिलेशन टेस्ट क्योंकि यह एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम है जो कि इसमें ब्लड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. इसीलिए हम अपने आने वाले एस्पायरेंट्स को ये सजेस्ट करेंगे कि आप लोग ब्लड टेस्ट रिलेशन से ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिक्स सॉल्व करें. और पार्ट बी में अगर हम बात करें तो 75 क्वेश्चंस होते हैं जो कि एनसीईआरटी 10+2 का क्वेश्चंस लेवल होते हैं. और एनसीईआरटी मैं उन बच्चों को बताऊंगा कि जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं एनटीए के द्वारा जो आयोजित होती है इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्व होते हैं. इसमें सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसीलिए इनको अपने ढंग से टाइम लिमिट में प्रिपरेशन करने के लिए सही समय के साथ अलॉट होना चाहिए नहीं तो एक क्वेश्चन जो होते हैं फिसल जाएंगे और हमें मार्क क्रेडिट नहीं होंगे. साथ ही साथ इसमें मैं बताऊंगा कि मॉक टेस्ट में हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें लगाना चाहिए. मैं जो खास करके इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया था तो मैंने 10-15 मॉक टेस्ट एक दिन में टाइम टू टाइम देता था जिसमें दो या चार या दस क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होता था. इस तरह मुझे यह सफलता हासिल हुई है. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें हमेशा बनाना चाहिए क्योंकि इससे हमें प्रैक्टिस मिलती है और हमें रियल टाइम एग्जामिनेशन की वैल्यूएशन मालूम पड़ता है. साथ ही साथ अगर हम बात करें तो खुद को क्वेश्चन बनाएं, खुद से क्वेश्चन बनाएं जो कि हमारे रिलेटेड कोर सब्जेक्ट से होंगे. रिलेटेड कोर सब्जेक्ट का मतलब होगा कि कोई एमबीबीएस या बीडीएस या बीएमएस किया हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं क्योंकि 75 क्वेश्चन जो होते हैं इससे रिलेटेड होते हैं.
और गूगल गूगल से हमें सर्च करके अपने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि पार्ट ए में जो होता है वो टाइम टू टाइम क्वेश्चंस जो होते हैं फ्रेम होते हैं, इसीलिए हमें गूगल का भी सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होता है नेशनल लेवल के होने के साथ साथ टाइम से रिलेटेड भी होता है, जो कि हमें अपने आसपास क्या घट रहे हैं इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। इस बार का क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो पूछा गया था। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि इवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा मायने रखा जाता है, जैसा कि मैं बताया इवोल्यूशन चैप्टर से बहुत वेटेज होते हैं, इसीलिए इसमें एक खास करके इक्वेशन आती है हार्डी विनबर्ग इक्वेशंस, इसको में हमें अल्फा न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये इवोल्यूशन से रिलेटेड हो और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में एक नियुक्त होने के लिए एग्जामिनेशन है, इसीलिए हमें हार्डी विनबर्ग खास करके इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए रियल टाइम में। और नोटबुक अब कोचिंग किसी कोचिंग का नोटबुक भी इसमें बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि मैंने भी इसका हेल्प लिया है, और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लगातार लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम हो पाता है कि हम कितने नॉलेज हमारे पास है और कितना कैसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं उन सभी एस्पायरेंट्स को ये सजेस्ट करूँगा कि आप सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें, वही आपके लिए बेस्ट है, और वो क्वेश्चन जो होते हैं हमारे NCERT UG लेवल के नोटबुक से आते हैं और जो टाइम फ्रेम में हमें करने होते हैं। इसके साथ मैं अगर बात करूं तो 75 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें पेपर वन में बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी एंड इंडोक्राइनोलॉजी आता है। अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन डीनेचुरेशन और फिजियोलॉजी में सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन डाइजेशन जो होते हैं क्वेश्चंस आते हैं, और इंडोक्राइनोलॉजी में जो होते हैं लीवर एंड पैनक्रियाज से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आते हैं, इसका मैकेनिज्म के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इस साल का क्वेश्चन जो था 3 क्वेश्चन जो होते हैं इस इंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस तरह ये वेटेज वाले पेपर हैं। पेपर 2 में सेल बायोलॉजी होता है, जो कि ऑर्गन लेवल, ऑर्गन और टिश्यू लेवल के साथ साथ इसमें ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कि कौन सा कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये जो है सिलोमेट ए सिलोमेट वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी आते हैं, क्योंकि इसमें इस बार 2 क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। और इसमें जेनेटिक जो होता है खास करके बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो मायने रखते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो खास करके पूछे जाते हैं, क्योंकि एक साइंस से रिलेटेड है और ये सारे सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट में मिलते हैं, इसीलिए हमें जेनेटिक्स का हर हाल में प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसमें एक होता है इकोनॉमिक जूलॉजी, इकोनॉमिक जूलॉजी में लैक कल्चर एंड सेरी कल्चर एंड फिशरीज जो होती है वो बहुत मायने होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 2 या 1 होते हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए हमें लैक कल्चर या सेरीकल्चर या फिशरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने चाहिए, जो कि मॉक टेस्ट में हमें मालूम चल जाएगा। ये होता है पार्ट 3 में, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इवोल्यूशन से बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हार्डी विनबर्ग इक्वेशन जो होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, और इसमें क्रैनियल कैपेसिटी पूछा जाता है, क्रैनियल कैपेसिटी ईरा एंड इपोज जो होता है वो पूछा जाता है, इसीलिए इस बार का क्वेश्चन में मुझे शायद याद है कि 3 क्वेश्चन जो थे कि इवोल्यूशन से रिलेटेड थे और ये जो है कि मायने रखते थे। और इसमें जू जियोग्राफी होता है, जू जियोग्राफी जो होता है हमारे कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसमें ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ओरिजिन एवोल्यूशन एंड एडवांस एंड प्रिमिटिव स्पेसीज का सिग्निफिकेंस भी पूछा गया था, एक क्वेश्चन जो था सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसीज भी पूछा गया था, जो कि 4 नंबर के थे, इसीलिए इस पर भी ध्यान हमें देना जरूरी है। मैं उन सभी बच्चों को सजेस्ट करूँगा, क्योंकि NCERT सबसे महत्वपूर्ण बुक है और ये एक मैं बोल सकता हूँ कि ये सारे एग्जाम के लिए बेस लेवल नोटबुक होते हैं, इसीलिए हमें गो थ्रू होना चाहिए NCERT से। उन बच्चों को जो एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनको NCERT के साथ साथ किसी एक रिप्यूटेड कोचिंग सेंटर का नोटबुक पढ़ना चाहिए, ताकि यह नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होने के कारण इसमें कंपटीशन बढ़ा हुआ है, और मैंने इस तरह का प्रिपरेशन किया जो कि आपके दिल्ली नॉलेज ट्रैक के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। और मैं अगर बात करूँ एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक के लिए तो आप NCERT फिंगर टिप्स का सहयोग ले सकते हैं, ट्रूमैन्स का सहयोग ले सकते हैं, और सबसे खास बात एक बताऊं कि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि एवोल्यूशन में भी हमें मिलता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं एसएन सन्याल का बुक का स्टडी किया था, एसएन सन्याल में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सो इसीलिए मैं उन एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करूँगा कि आप एसएन सन्याल के लिए रिफ़र करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। और जू जियोग्राफी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्रैनियल कैपेसिटी को आपको ये थ्योरेटिकल है, आपको इसे याद करना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो होते हैं हूबहू क्वेश्चन आते हैं कि किनका क्रैनियल कैपेसिटी कितना है, और इनका कंपैरिजन भी पूछा जाता है, सो मैं
सजेस्ट करूँगा उन सभी बच्चों को जो इसके तैयारी कर रहे हैं, वो आप क्रैनियल कैपेसिटी के बारे में जानकारी हासिल करें, जो कि हमारे NCERT या UG लेवल के बुक्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। पेपर टू में एक और आता है जू जियोग्राफी के अलावा पेलियोजियोलॉजी, जिसमें हमें फोसिल्स, टाइप ऑफ फोसिल्स, सिग्निफिकेंस ऑफ फोसिल्स के बारे में स्टडी करना होता है। वो हमें एवोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए मैं उनको गो थ्रू कहूँगा जाने के लिए, क्योंकि ये NCERT में हमारे रिलेटेड हैं। और इसके साथ एज डिटर्मिनेशन मेथड हमको हासिल करना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन पूछे, इस साल मुझे याद है कि 3 क्वेश्चन जो थे एज डिटर्मिनेशन मेथड के द्वारा पूछा गया था, और ये रिलेटेड है हमारे इवोल्यूशन से, और ये फोरेंसिक मेडिसिन है, इसीलिए इसमें मैं बोलूँगा कि आप एज डिटर्मिनेशन मेथड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फोसिल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फोसिल्स के बारे में आप मॉक टेस्ट के द्वारा आप रिविजन करें, क्योंकि ये टोटली थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, हार्डी विनवर इक्वेशन को आप स्टडी करें, उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, और थ्योरेटिकल के लिए आप अपने मॉक टेस्ट जितना लगाएंगे उतना आपको याद होंगे, क्योंकि मॉक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं मॉक टेस्ट से ही याद होते हैं, इसे रट्टे लगाने से नहीं याद हो पाएंगे, और हमें अच्छे से मार्क्स मिलेंगे हमारे एग्जाम में, और मैं इस तरह अच्छे रैंक हासिल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यह एग्ज़ाम NTA द्वारा आयोजित होती है, और ऑल ओवर नेशन का लड़के अपीयर होते हैं, इसीलिए इसमें हमें एक एक नंबर के लिए मोहताज होते हैं। और इसमें जेनेटिक जो होता है ब्लड रिलेशन से, और ब्लड टाइप्स एंड मल्टीपल एलिलिज्म, एक सबसे खास बात है कि इसमें मल्टीपल एलिलिज्म जो होता है एक जेनेटिक्स का पार्ट होता है, उस पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहिए। और ये जो होता है जीन ऑफ ब्लड जो होता है वो हमारे ब्लड से रिलेशन स्थापित होती है, और हमारे फोरेंसिक मेडिसिन में इसको ज़रूरत होती है। इस तरह मैं बोलूँगा कि ह्यूमन जीनेट प्रोजेक्ट पे भी आपको स्टडी करना होगा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, और ये सिलेबस में होने के नाते हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस बार ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्वेश्चन एक भी नहीं आए थे, लेकिन मे भी अगला बार अगर आए तो इसे हम बना सकते हैं। इसीलिए मैं उन सभी बच्चों को सजेस्ट करूँगा जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो इसको आप मॉक टेस्ट से मैक्सिमम मॉक टेस्ट करें और मॉक टेस्ट दें, ताकि आपको ये रियल टाइम एग्जामिनेशन मालूम चल सके। और मैं DKT के माध्यम से फिर एक बार उन एस्पायरेंट्स को धन्यवाद करूंगा, या उनको सजेस्ट करूंगा कि आप सब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगाएं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपको जानकारी हो सकेगी कि आपको एग्ज़ाम में कैसे फेस करना है क्वेश्चंस, एंड कैसे टाइम लिमिट में हम क्वेश्चंस कर सकते हैं और निगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। इसीलिए मैं DKT को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा कि मुझे यह अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं। और अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप सब NCERT क्वेश्चंस बुक को ही फॉलो करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस बुक स्टडी करेंगे तो आपके दिमागों में कन्फ्यूजन होगी और आप निगेटिव मार्किंग ज़्यादा से करेंगे और रैंक आपका फिसल जाएगा। इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा एक बार फिर कि आप NCERT के साथ साथ रेफरेंस बुक मिनिमम लिमिटेड में यूज करें, और जो मैंने टॉपिक बताया पेलियोजियोलॉजी, जियो ज्योग्राफी एंड जेनेटिक्स के साथ साथ सिग्निफिकेंस ऑफ फोसिल्स, उसको स्टडी करें। मैं उन सभी बच्चों के लिए मेरा एक वीजा टू वर्सिटी चैनल है, इसमें आप भी कनेक्ट होकर मेरे से अपडेट जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर इससे ज़्यादा अपडेटेड जानकारी के लिए एक मेरा YouTube चैनल है वीजा टू वर्सिटी, उस पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, जाकि वहाँ पे मैं NTA द्वारा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होते हैं उस पर डिस्कस किया जाता है, जो कि बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है। और मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि खुद से क्वेश्चंस बनाएं, खुद से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी ग्रिप कितनी बन रही है, क्वेश्चंस कितनी ग्रिप बन रही है। अगर आपको उसके आंसर नहीं मालूम है तो आप गूगल करें, गूगल से उसके विकिपीडिया करें, उसके जानकारी इकट्ठा करें, उसको नोट्स बनाएं और क्वेश्चंस फॉलो करें, वही आपके लिए मैक्सिमम हेल्प करेगा। क्योंकि बहुत से ज़्यादा किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब 20 बार पढ़ें, वही आपके लिए मैक्सिमम मार्क्स क्रेडिट कर सकती है, ना कि एक बुक ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ें और कन्फ्यूजन क्रिएट करें। इसीलिए मैं इस सक्सेस को मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट करूँगा, मेरे बड़े भाई, मेरे मामा जी को क्रेडिट करूँगा, क्योंकि मैं उन्हीं के बदौलत यह सक्सेस जो है प्राप्त किया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके एग्ज़ाम के थ्रू और इस कोर्स करने के बाद मैं एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनूँ और अपने देश की सेवा करूँ। धन्यवाद।